दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय कॉमर्स पॉइंट अकोला। लोनार सरोवर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 369.78 करोड़ रुपए के विकास ढांचे को 27 जुलाई को मुंबई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। इस विकास कार्य में लोनार सरोवर में विविध कार्य किए जाएंगे। मनपा आयुक्त व प्रशासक कविता द्विवेदी के कक्ष में सभी विभाग प्रमुखों की निरीक्षण बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में अमृत महोत्सव अंतर्गत हर घर तिरंगा उपक्रम को लेकर जानकारी ली गई, साथ ही आवश्यक सूचनाएं दी गई। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर कई राष्ट्रीय कार्यक्रम की जानकारी दी गई। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में पाबंदी के बाद भी प्लास्टिक व थर्मोकोल की सामग्री का उपयोग जारी है। कैरी बैग हर ठेले व कुछ प्रतिष्ठानों पर ग्राहकों को दी जा रही है। इस कारण मनपा के आरोग्य विभाग ने बड़े प्रतिष्ठानों समेत ठेलों को रडार पर रखा है। जांच अभियान चलाकर बुधवार को 30,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। वाशिम पुलिस दल के बम खोजी पथक ने अकोला की ओर से गाड़ी में बम रखा हुआ होने की जानकारी मिलने पर बम खोजी पथक और आतंकवाद विरोधी पथक ने पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में तत्काल वाशिम रेलवे स्टेशन पहुंचकर पूर्णा पैसेंजर रेलवे गाड़ी की जांच की। गोंदिया नागपुर से भुसावल की ओर जाने वाली ट्रेन 3 से 5 घंटे देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा करने के लिए नागरिक पहली पसंद ट्रेन को देते हैं, जिससे वे सुरक्षित यात्रा करने के लिए टिकट को आरक्षित करवा लेते हैं। ट्रेनें लेट होने से यात्रियों की सुनियोजित यात्रा में बाधा आती है। शहर के 241 महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं की 33,144 सीटों के लिए प्रवेश के लिए प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। 25 जुलाई को रिक्त सीटों की पहली प्रतीक्षा सूची लगाई गई थी, जिसके बाद 26 व 27 जुलाई को प्रतीक्षा सूची के छात्रों को प्रवेश दिया गया, जिसके पश्चात आज 28 जुलाई को दूसरी प्रतीक्षा सूची नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी व प्रवेश दिया जाएगा। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के टावर चौक से LIC ऑफिस तक के मार्ग के चौड़ाईकरण का काम लंबे समय से लटका हुआ था। नागरिकों को हो रही असुविधा को देखते हुए उपलब्ध जगह पर डामरीकरण करने का निर्णय मनपा ने लिया, लेकिन एक माह से सिर्फ मुरूम ही पड़ा हुआ है। यातायात के लिए एक साइड बंद होने से नागरिकों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला स्तरीय लोकशाही दिन व दिव्यांगों की समस्याएं हल करने के लिए दिव्यांग लोकशाही दिन का आयोजन 1 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी निवासी उपजिलाधिकारी प्राचार्य संजय खटसे की ओर से दी गई है। 1 साल में प्रादेशिक जल कर की सिर्फ 10% ही वसूली हुई। 17,64,07,262 रुपए की अपेक्षित वसूली की तुलना में सिर्फ 1,93,80,421 रुपए ही संकलित किए जा सके। जल कर के रूप में प्रतिदिन औसतन 4.84 लाख रुपए का संकलन अपेक्षित है, मगर प्रत्यक्ष रूप से यह औसत मात्र 53,000 रुपए प्रतिदिन दर्ज किया जा सका। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, इससे सब्जियों की आवक कम हो गई है। शहर के थोक बाजार में सब्जियों की रोजाना आवक भी कम हो गई है। अकोला सब्जी बाजार में आवक घटने से सब्जियों के दाम बढ़े हैं और लगभग 2 गुने हो गए हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, IT प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। आज ही दिव्य हिंदी से जुड़े। इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमेशा अपडेट रहे। धन्यवाद।